मुंह पर मास्क लगाए रख, दूर से मिल मत बाहें खोल, दिल से दूर नहीं है हम, 6 फुट से ही मीठा बोल। कोरोना का डब्बा गोल, हाँ तो बच्चों एक बार फिर स्वागत है आपका दीवान ट्यूटर यूट्यूब चैनल के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था जो त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीका हैं उनको सिद्ध कैसे किया जाता है, अनुपात हैं उनका मान कैसे निकाला जाता है। सबसे पहला वीडियो हमने जो बनाया था उसके अंदर बेसिक पार्ट था, ठीक है, उसमें जैसे फॉर्मूले वगैरह आ गए, जो दोनों चैप्टर के जो फॉर्मूले वो आ गए। और इसके पहले एक वीडियो और बनाया जिसमें हमने क्या किए थे, चैप्टर जो 7.1 था उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और उसके बाद आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 से लेकर 10 क्वेश्चन, जिनमें आपको क्या करना है कि जो सर्वसमीका हैं, जैसे मैंने फॉर्मूले वाला चैप्टर बताया था, फॉर्मूले बताए थे ना, वो सर्वसमीका बताई थी, फॉर्मूले बताए थे, उन सर्वसमीका की सहायता से आपको क्या करना है, 3 से लेकर जो 10 क्वेश्चन हैं उनको प्रूव करके अगले को दिखाना, ये भाई पकड़ तेरा, ये मैंने सिद्ध करके दे दिया, अब मेरे को मत देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में है, चेक कर लीजिए, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। इस वाली साइड के आगे ये वाली साइड है, ये लेकर आनी है, ये आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाली साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड होती है। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा। दिस यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो सर हमें क्या पता चलेगा कि ये वाली सर्वसमीका लगेगी, बेटा क्या होगा ये तो नहीं पता चलेगा, और पता चलेगा जब आप बार 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 प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी। अब यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा लेकर आना है और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये बाहर आ गया, तो क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है बच्चू, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको इधर लिखना है चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमें लेकर क्या आना है, कोट स्क्वायर थीटा लेकर आना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कोस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, अब कोसेक थीटा आपका क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा नहीं होता क्या, लेकिन ये कोस कोसेक स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा 1 से गुणा हो गया और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा। आपको पता है क्या कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, दैट्स इट। आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और ये वाली आपकी साइड आ जाएगी राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज करनी पड़ेगी, दोबारा लिखनी पड़ेगी एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा और उसके बाद में sec थीटा प्लस टेन थीटा। आपको क्या करना है, इसको 1 के बराबर करना है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 1 है, दिख रहा होगा सबको। क्या करेंगे, देखो ये चेंज होने वाला है, ये चेंज हो सकता है और ये चेंज हो सकता है, तो लिख दो। सबसे पहले sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, नो चेंज करेंगे, और इधर वाला sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा और tan थीटा को मैं sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकता हूँ।
और यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और आपका जो tan थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा के, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे देखिए अब ये इसके नीचे गुणा हो जाएगा, 1 - sin थीटा है और यहाँ पे इसके नीचे क्या है, ये cos थीटा है। और आगे जब चलेंगे तो इस cos थीटा आपका LCM आ जाएगा, ओके, और ये एक यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin थीटा, बिकॉज बराबर हैं, ठीक है। पढ़ा बोल के आता होगा आपको, ये चीज़ें तो करनी आती होगी, 10th क्लास में पढ़ रहे हो। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये तो हो जाएगा ऊपर वाला 1 - sin थीटा और इधर वाला 1 + sin थीटा, और बट्टे में आपका cos थीटा cos²θ। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा, a + b a - b क्या होता है, a²-b², यही होता होगा, और क्या है, a + b और a - b क्या होता है, a²-b². फॉर्मूले तो पता होंगे ना आपको, a + b² a± b² = a²+b² + 2ab + -2ab। उसी प्रकार a²-b² = a + b a - b a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - का आपका हो जाएगा b² अपॉन में आपका क्या है, cos²θ। 1 का स्क्वायर आपका 1 रहेगा और -sin²θ रहेगा, और बट्टे में आपका क्या है, cos²θ। चूंकि आपको पता है क्या, मैं पहले नहीं बताऊंगा, आप बताओ, कमेंट करो इसके आगे क्या होगा। आपको पता है 1 - sin²θ क्या होता है, cos²θ होता है, और बट्टे में cos²θ एज इट इज चल रहा है, और बराबर में 1 आ जाएगा कैंसिल आउट होकर। यहाँ पे लिख देना चूंकि 1 - sin²θ बराबर में क्या आ जाएगा, cos²θ, ये आपको चूंकि में लिखना है। देखो चौथा क्वेश्चन कितना इजी था, ऐसे आपको अगर एक दो सर्वसमीका नहीं, ये इतनी तो 3 सर्वसमीका है, इन 3 से ही तो मैंने आपको कितनी करना बताया था, तो आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरी नहीं है, ये 3 सर्वसमीका याद कर लो, उसके बाद में आपका जो चैप्टर 7.1 है ना, उसमें से एक नंबर भी नहीं कटेगा, तो पूरे में से पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो इसका 5th नंबर क्वेश्चन देखो, 5th नंबर क्वेश्चन आपका है cosec²θ + sec²θ = cosec²θ × sec²θ। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड आपको निकालनी है, cosec²θ + sec²θ, एक एक स्टेप को लेके चलोगे ना तो क्वेश्चन करना आपका इजी हो जाएगा। cosec²θ को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 - sin²θ, और प्लस sec θ को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 - cos²θ, चूंकि cosec θ = 1 - sin θ एंड sec θ = 1 - cos θ। इसी से मैंने ये वाली चीजें लिखी है, दोनों का बच्चू एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, sin²θ × cos²θ आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये वाला cos²θ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos²θ, प्लस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये हो गया sin²θ। भैया लेकर क्या आना है, लेकर आना है cosec²θ और sec²θ। cos²θ + sin²θ 1 होता है, पूरे बट्टे में आपका चल रहा है sin²θ, और यहाँ पे आपका है cos²θ। एक सर्वसमीका आपकी और है, इसको ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ लिख देना चूंकि sin²θ + cos²θ बराबर में आपका है 1। देखिए यहाँ पे 1 - sin²θ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 - sin²θ × 1 - cos²θ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपके, ओके।
वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कोस थीटा आपका सेक थीटा होता है लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और ये वाली साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड है तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आपको रिपीट करनी है, 1 माइनस साइन थीटा बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। देखो भैया क्या होगा, आप है ना ऐसे क्वेश्चन को देख के मत जाया करो, क्वेश्चन को देखोगे थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन लग रहा है, साइन है माइनस प्लस में है डिवाइड में है और रूट में चीज दे रखी है और लेकर आना है सेक थीटा और टेन थीटा। छोटे छोटे जो फॉर्मूले जो मैंने सर्वसमी का जो मेरा बेसिक पार्ट था जिसमें मैंने बताई थी, एक बार वो वीडियो देख लो, आपको इस चैप्टर में पूरी साल ही दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको जो नीचे वाला जो अनुपात या फिर जो भी दे रखा है उसका विपरीत चिन्ह लेकर, जैसे यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में लेके ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी उसको क्या बोलते हैं परिमेयकरण कर दो। ये वन प्लस साइन थीटा है तो वन माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो सेम से और ये आपका रूट साथ में चलेगा। ठीक है, देखो रूट सेम चल रहा है, वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। यहां पे देखिए वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक चल रहा है बी की जगह साइन थीटा चल रहा है, तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ भाई समझ में आया क्या यहां तक, देखिए आगे चलिए आगे चलते हैं। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं आगे यही रिपीट कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा है उसके ऊपर स्क्वायर है पूरे के ऊपर रूट है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब हम इनको रूट के बाहर निकालेंगे क्या करेंगे, जब हम इनको रूट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर तो, और नीचे आपके पास कोस थीटा बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा। अब आपको क्या करना है, आपको लेकर आना है ये वाला। अब एक ही कंडीशन पे आ सकता है कि दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, ये आपका वन है, ये वन कोस थीटा से डिवाइड हो रहा है, ये वाला माइनस है, आगे चलते हैं आपका ये साइन थीटा है ये कोस थीटा से डिवाइड हो जाएगा, वन अपॉन कोस थीटा आपका क्या होता है सेक थीटा और ये माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा आपका होता है टेन थीटा। यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, मजा आ रहा ना क्वेश्चनों में, ऐसे ही आएगा, पूरा वीडियो देखना, एक बार वीडियो देख लिया दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। सेक रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड को रिपीट करना है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ऊपर रूट है आपका रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं स्टेप बढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे चूंकी करके जो लिखना है जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं अपने आप लिखा दूंगा। यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर आपका क्या है देखो ये वाला यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही तो है और तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और आगे चलेंगे तो आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे रूट, क्या लगा दिया रूट लगा दिया। आगे चलिए ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसके आगे, ये आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन
और उसके बाद में हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आपका एजीटी चलेगा, ये मेरा एजीटीज चल रहा है। क्या करना है, अंश व हर का वर्गमूल लेने पर, लिख दो यहां पे अंश व हर का वर्गमूल लेने पर, अंश व हर का वर्गमूल लेंगे तो यहां पे देखिए ऊपर तो आपका वन बच जाएगा, नीचे आपके पास बच जाएगा ओनली साइन थीटा और कॉस थीटा। आपको पता है क्या एक चीज, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ये एक होता है, तो ये वाली चीज यहां पे लिख दो, एक की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और बट्टे में आपका एजीटीज आ जाएगा साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा इंटू कोट थीटा, दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है और बट्टे में आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये प्लस है आपका कोस स्क्वायर थीटा है बट्टे में आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे साइन का स्क्वायर है ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे कोस का स्क्वायर है ये इस कोस से कट जाएगा, और यहाँ पे बच गया एक साइन बच गया साइन थीटा और बट्टे में बच गया कोस थीटा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा और बट्टे में आपका आ जाएगा साइन थीटा। आपको पता होगा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा आपका होता है टेन थीटा, और प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा आपको पता है क्या होता है कॉट थीटा। यही थी हमारी राइट हैंड साइड, देख लीजिए टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, ये वाली साइड हमारी थी राइट हैंड साइड। देन प्रूव क्वेश्चन नंबर 8 को आप जितना पेचीदा समझते हो उतना पेचीदा नहीं है, ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, स्टेप थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन किस पे बेस्ड है, ओनली किस पे बेस्ड है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा पे बेस्ड है। ये दो फॉर्मूले जिसको याद है वो ये वाला कैलकुलेशन कर देगा, ये वाला क्वेश्चन कर देगा। ओके, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को रिपीट कर दीजिए, ये टेन एल्फा प्लस में टेन बीटा और उसके बाद में आ जाएगा कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। देखिए टेन एल्फा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन एल्फा बटे कोस एल्फा प्लस ये हो जाएगा साइन बीटा बटे कोस बीटा, पूरे बट्टे में कोस एल्फा की कोट एल्फा की वैल्यू होती है आपकी कॉस एल्फा बट्टे में क्या आ जाएगा साइन एल्फा प्लस कोट बीटा की क्या होगी कॉस बीटा बट्टे में साइन बीटा। आया समझ में, इतना इतना समझ में आ गया, तो आगे चलो इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे इस ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ, ये तो मेरा मेन बट्टा है ये वाला, और उसके बाद कोस एल्फा कोस बीटा का जो एलसीएम है वो आपका आ जाएगा कोस एल्फा और कोस बीटा, कोस एल्फा से कैंसिल, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा तो आपका आ जाएगा साइन एल्फा और इंटू में कोस बीटा प्लस कोस बीटा, कोस बीटा से कैंसिल आउट हो गया, साइन बीटा से कोस एल्फा गुणा हो जाएगा, साइन बीटा से कोस एल्फा गुणा हो जाएगा। अब इन दोनों का बट्टा ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा साइन एल्फा और साइन बीटा, साइन एल्फा से कट जाएगा साइन बीटा इससे गुणा हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ कोस एल्फा इंटू में आ जाएगा साइन बीटा प्लस साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया, साइन एल्फा है वो कोस बीटा से गुणा हो जाएगा, साइन एल्फा है वो कोस बीटा से गुणा हो जाएगा। जब हम इस डिवाइडेशन के चिन्ह को हटाते हैं अगले स्टेप में तो संख्या है वो ऊपर नीचे हो जाती है। सबसे पहले इस संख्या को लिखिए साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस में साइन बीटा और ये कॉस एल्फा है, बट्टे में देखिए क्या है, यहाँ पे बट्टा देखिए क्या है कॉस एल्फा और गुणा में आपका है कॉस बीटा। अब जब हम इसको लिखेंगे तो ये वाला अनुपात उल्टा हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा और भाग में गुणा में आ जाएगा, तो साइन एल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एल्फा और ये है साइन बीटा
और पूरे बट्टे में देखिए यह आ जाएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा प्लस यहां पे है साइन अल्फा और इनटू में है कॉस बीटा। अब एक चीज नोटिस करने की देखिए, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा दोनों बराबर है। तो ये वाली स्टेप है, इस वाले स्टेप से कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर तो मेरा बच जाएगा साइन अल्फा इनटू में आपका है साइन बीटा। बट्टे में देखिए ये है कॉस अल्फा और यहाँ पे है कॉस बीटा, अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा और साइन बीटा बट्टे कॉस बीटा आपका हो जाएगा टेन बीटा। बताओ यही चीज लानी थी, टेन अल्फा और टेन बीटा, तो ये मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये प्रूव हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन इसमें दो ही फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, सिर्फ दो ही फॉर्मूले पड़ी, कौन सी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, सीधी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन को रिपीट करवाने की जरूरत थोड़ी ना, आपने देख लिया 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा। राइट हैंड साइड में आपके पास 2 sec थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए, देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, तो क्या करना है, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा और गुणा में आपका कॉस थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा है और उसका ये स्क्वायर है प्लस कोस थीटा से कोस थीटा, सॉरी साइन, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा से गुणा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। आगे चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 ए और बी, यही होता है फॉर्मूला खोलना। और आगे चलते हैं और वो आपका है कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे बट्टे में आपका है 1 प्लस साइन थीटा इनटू में आपका है क्या, कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन करेंगे एक बार, ये आपका 1 है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, ओके, एक एक स्टेप को लेके चलेंगे, ये आपका हो गया 2 साइन थीटा और यहाँ पे है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे बट्टे में आपका क्या चल रहा है, 1 प्लस, स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ी, इसमें ज़्यादा स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके डन। आगे चलते हैं, जैसे जैसे आप बोल रहे हो मैं तो वैसे वैसे हाँ करता जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पास पास लिख लिया मैंने, देखो मैं पास पास लिख रहा हूँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका इधर तो बच गया ये 1 और इधर आपका बच गया 2 साइन थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में आपका है कॉस थीटा। भाई आपको पता है क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने इसके बराबर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और आगे मेरा 1 पहले से है और प्लस में 2 साइन थीटा मेरा पहले से है, नीचे आएंगे 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में आपका है कॉस थीटा। देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में आपका है कॉस थीटा। देखिए आगे चलेंगे, स्पीडली कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही ना, स्पीड कम कर लीजिए यार, इनमें क्या है कि ज़्यादा स्पीड कम कर देंगे ना तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, और जितना स्पीड से इसमें करोगे ना आपका क्वेश्चन सही होने का चांस उतना ही होगा, ठीक है, और अलग अलग लोगों की सोच है लेकिन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड है ना शानदार हो जाएगी और पेपर है ना आधे, कोई लोग ऐसे करते हैं ना करके बैठ जाते हैं, वही होगा तरीका, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे तो जो और हमारे जो डिफिकल्ट चैप्टर हैं उनमें हम टाइम दे सकते हैं, ओके। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस साइन थीटा बच गया, बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा मेरा पहले से है
और इनटू में आपका है कॉस थीटा। साइन प्लस साइन थीटा से वन प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया और आगे मेरा बच गया टू अपॉन कॉस थीटा, लेकर के आना था टू सेक थीटा, टू तो आ गया और वन अपॉन कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, तो ये टू सेक थीटा और ये मेरी क्या है राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। इतना क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं था। सबसे पहले हमने क्या करा था, इसमें एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक रख दिया और उसके बाद में एक नॉर्मल कैलकुलेशन करी है और कॉस थीटा को चेंज किया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7.1 का 10वां क्वेश्चन। आपको लग रहा है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये जितना क्वेश्चन सरल है ना उतना कोई से भी नहीं है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक लिखना है। तो सबसे पहले जो आपका साइन 4 थीटा है माइनस कोस 4 थीटा, इसको लिखो ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और पूरे बट्टे में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाली चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ये होता है एक, और यहाँ पे लिख लेना चूँकि ये तो आपको पता है सबसे पहले से आ रही है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, और ये वाली हमारी सिद्ध करनी थी, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड और ये भी हमारा 10वां क्वेश्चन इतनी जल्दी प्रूव्ड हो गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है पता है आपको भी थोड़ा, लेकिन क्या करें क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं। इस वीडियो में हमने 3 से लेकर 10 क्वेश्चन देखे हैं। आगे वाले वीडियो के लिए अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और क्या कह रहा था, हाँ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर पीछे वाले वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट को चेक करिए। और भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं गोल्ड के ऊपर सिल्वर के ऊपर, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नई शुरुआत नई उमंग नई जोश के साथ, तक के लिए राम राम।